नमस्कार दोस्तों, आप कोरोना वायरस से बचें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि भारत की एक ऐसी ट्रेन है जो लॉकडाउन होने के बाद भी चलती रही। दोस्तों, असल में ये ट्रेन बड़ी लंबी दूरी की है, ये दुनिया के 9वें नंबर की सबसे लंबी दूरी की है, जिस वजह से ये ट्रेन लॉकडाउन होने के बाद भी चलती रही। दोस्तों, इसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। यह 4300 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। यह देश के कुल 9 राज्यों से होते हुए 82 घंटे और 50 मिनट में अपने सफ़र को तय करती है, यानी यह अपने सफ़र को पूरा करने में लगभग 4 दिन 10 घंटे और 55 मिनट लगाती है। लेकिन दोस्तों, एक दुर्भाग्य ये भी है कि यह दुनिया के सबसे लेट होने वाली ट्रेन भी है। चूँकि ये बहुत लंबी दूरी की ट्रेन है, इस वजह से यह ट्रेन हमेशा 10 घंटे 12 घंटे 20 घंटे लेट चलती है। यह भारतीय रेलवे की सबसे ज़्यादा लंबी दूरी की सफ़र करने वाली और सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाली ट्रेन है। यह प्रत्येक शनिवार को डिब्रूगढ़ से रात में 11:55 पर चलती है और कन्याकुमारी पहुंचती है वेडनेसडे को 9:55 पर सुबह। दोस्तों, इस बार आश्चर्यजनक तरीके से यह ट्रेन बहुत टाइम पर पहुँची। उसकी वजह यह है दोस्तों, यानी 21 मार्च को जब यह अपने डेस्टिनेशन से निकली तो ठीक उसके एक दिन बाद यानी 22 मार्च को सरकार ने लॉकडाउन घोषित कर दिया और उसी के साथ साथ सारी की सारी रेलों को बंद कर दिया जो रेलवे अपने गंतव्य पर पहुंच चुकी थी। लेकिन यह अपने गंतव्य पर नहीं पहुंची थी, इस वजह से इसको चलने दिया गया और ये दोस्तों 25 मार्च को सुबह जाकर पहुँची है। और मज़ेदार बात यह है कि यह टाइम पर पहुँची है, जबकि इसका रिकॉर्ड यह है कि यह कभी टाइम पर नहीं पहुँचती है। दोस्तों, अपने सफ़र में यह करीब 56 रेलवे स्टेशनों पर रुकती है और करीब सैकड़ों रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरती है। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो मिलते रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी मैं नए नए वीडियो अपलोड करता हूँ वो मिलता रहे।